उम्मीद है? आएगा तो फिर तो बाता बना कर कर ले गया है ना। अच्छा आप एक बात बताइए, जो जेल से निकलेंगे तो अपने माता पिता से मिलने नहीं जा रहे हैं बल्कि गहलोर आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? पक्की रोड, हाँ, अस्पताल, हाँ, थाना, हाँ, ये सब बना दीजिए। हाँ, हम एक बेटा लिया कि आ मांगेंगे सबसे बिहार में बेटे हम। हाँ, आज तक घर हमको झोपड़ गई है, वो तो नहीं मांगा कि रहने के व्यवस्था कुछ बना दीजिए। मतलब पूरा गहलोर के लिए मांगे? हाँ, पूरा जनता के लिए। हाँ, गहलोर के लिए किया करेगा, सारी जनता लिए ही रास्ता को बना दिया। हाँ, हमारा लिए तो एगो नहीं बनाया है। हाँ, ना सारी जनता लिए ही काम किया। दूर तक पहुंचता है? हाँ हाँ हाँ, बात लगता है कि कोई नहीं पहुँचाएगा, मनीष कसिया। हाँ, पहुँचाएगा ये बात को। हाँ, उम्मीद है उनसे। उम्मीद है। हाँ, क्या कुछ कहिएगा आज गहलोर में मनीष कश्यप आ रहे हैं? ठीक तो है, अभी आ रहे हैं। हम तो पिछले बार नहीं मिले थे, लेकिन इस बार मिलेंगे मनीष कश्यप से। मिलने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है, मनीष भैया से कौन नहीं मिलना चाहता है। हाँ, मनीष भैया आ रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। लगभग 9 महीने बाद मनीष कश्यप जेल से आज बाहर आएंगे, लोगों से मिलेंगे, लेकिन खास बात यह है कि वो अपने घर नहीं जाके गया के गहलोर में आएंगे। और यहाँ अभी मेरी मौजूदगी गया के गहलोर में है, दशरथ मांझी के स्मारक के पास है। आज 23 दिसंबर को मनीष कश्यप जेल से रिलीज होने वाले हैं। जैसे ही मनीष कश्यप जेल से रिहा होंगे तो सबसे पहले गया के गहलोर में आएंगे, दशरथ मांझी के स्मारक के पास आएंगे। लगभग 9 महीने बाद मनीष कश्यप जेल से आज बाहर आएंगे, लोगों से मिलेंगे, लेकिन खास बात यह है कि वो अपने घर नहीं जाके गया के गहलोर में आएंगे। और यहाँ पे दशरथ मांझी के जो बेटे हैं वो भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ क्या कुछ कहिएगा। क्या कुछ कहिएगा? अभी आप कुछ कुछ बोल रहे थे कि पटना गए 10 दिन रहे, मट्टी खाए, वो सब उसका बात है, मेरे को बात नहीं। किसका? आपके पिताजी का? अपने पिताजी के बारे में कुछ बताइए। अपने पिताजी के बारे में क्या कुछ हो गहलोर के लिए क्या कुछ किए? गहलोर के लिए किया करेगा, सारी जनता लिए ही रास्ता को बना दिया। हाँ, हम हमारा लिए तो एगो नहीं बनाया है। ना सारी जनता लिए ही काम किया। अच्छा आपके पिताजी इतने फेमस है, मांझी द माउंटेन मैन के नाम से लोग उनको जानता है, आपको उसका कितना बेनिफिट मिला? वो जनता लिए रास्ता बना दिया, बेनिफिट तो उसको कुछ नहीं मिला। हाँ, वो तो बोल के गया नीतीश कुमार, कहा देखी सुनिए। हाँ, नीतीश कुमार कहा कि जो बोलेगा ना वो पूरा करेंगे हम। हाँ, तो हमारे पिताजी कहा, हाँ, पक्की रोड, हाँ, अस्पताल, हाँ, थाना, हाँ, ये सब बना दीजिए। हाँ, हम एक बेटा लिए कि आ मांगेंगे सबसे बिहार में बेटे हम। हाँ, आज तक घर हमको झोपड़ गई है, वो तो नहीं मांगा कि रहने के व्यवस्था कुछ बना दीजिए। मतलब पूरा गहलोर के लिए मांगे? मांगे। हाँ, पूरा जनता के लिए। हाँ, अपना लिए नहीं। हाँ, पूरा जनता लिए मांगे। अच्छा आपके पिताजी का स्मारक है यहाँ पे, लोग प्रतिदिन यहाँ पे घूमने आते हैं, किस किस मतलब यहाँ पे क्या क्या लोगों को दिक्कत होता है, किन किन चीजों की कमी है यहाँ पे? हाँ देखिए, शौचालय बना दिया है। हाँ, उसमें गार्ड नहीं है, कोई सब सर सफाई करेगा। हाँ, जो बाहर से आदमी आता है। हाँ, तो देख रेख के उसमें आदमी बाहर किया जाए ना। हाँ, स्मृति बना दिया है। हाँ, स्मारक, स्मारक। हाँ, उसके सर सफाइया करने के लिए एक आदमी चाहिए ना यहाँ। हाँ, तो यहाँ भी नहीं है। हाँ, बस बना के छोड़ दिया, छोड़ दिया। हाँ, स्मृति भवन हमारे पिताजी के बना। हाँ, दिया, खूब विचित्र बना दिया, बत्ती तत्ती सब लगा दिया। हाँ, बाकी उसका रहने के व्यवस्था उसका। हाँ, सेवा संस्कार के करेगा। हाँ, उसमें भी आदमी नहीं बहाल, नीतीश कुमार नहीं बहाल किया। अच्छा मनीष कश्यप जब पिछले बार आए थे तो आपसे मुलाकात किए थे, आपसे मिले थे, आज वो जेल से छूटने वाले हैं, क्या कहिएगा? यह सब कहेंगे कि जो कमी है यहाँ पर ही। हाँ, मनीष कसिया जो सरकार के यहाँ पहुँचाइए। हाँ, मनीष का सबसे उम्मीद है आएगा तो फिर तो बाता बना कर कर ले गया है ना। अच्छा आप एक बात बताइए, जो जेल से निकलेंगे तो अपने माता पिता से मिलने नहीं जा रहे हैं बल्कि गहलोर आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? कहिएगा यहाँ जो हमारे 22 साल में रास्ता को बना दिया, अब जो फिल्म वाला
फिल्म बना कर एक महीना रह करके फिल्म बनाया, 50,000 यहाँ दिया है, बाकी कहा कि 2% हम देंगे। मनीष का सबसे उम्मीद है आपको? मनीष कसिया गच्छा है अपना कि हम बात को वहाँ पहुँचाएंगे, नहीं कैसे बिहार देगा? के जनता उनसे बहुत प्यार करता है, कहता है लोग कि उनका बात जो है दूर तक पहुंचता है। हाँ। आपको भी लगता है कि उनका बात दूर तक पहुंचता है? हाँ हाँ, हमको बात लगता है कि कोई नहीं पहुंचाएगा, मनीष कसिया पहुंचाएगा ये बात को। हाँ, उम्मीद है उनसे। उम्मीद है। हाँ। क्या कुछ कहिएगा आज गहलोर में मनीष कसिया पा रहे हैं? ठीक तो है, अभी आ रहे हैं, हम तो पिछले बार नहीं मिले थे लेकिन इस बार मिलेंगे मनीष कश्यप से। मिलने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है, मनीष भैया से कौन नहीं मिलना चाहता है। हाँ। मनीष भैया आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, जो आप लोग इतना मेहनत करके उनको बाहर ला रहे हैं। ठीक है, मनीष भैया एक अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ। लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ। लोग मतलब लोगों को आवाज को बुलंद किए, लोगों की आवाज तक जो है वहाँ तक पहुँचाने का काम किए हैं। गरीब से जो मिलते हैं उनको कुछ दान देते हैं, उनको भलाई के लिए करते हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मनीष भी अगर 9 महीना नहीं थे तो बिहार लगता था कि सुना सुनी नजर आ रहा है पत्रकार मतलब की दुनिया। 9 महीना मनीष कश्यप की कमी बिहार वालों को खाली है। हाँ बिल्कुल खला है, मनीष भैया नहीं थे तो उनका कमी तो खाली रहा था, हम लोग को भी कमी खल रहा था कि लोगों का आवाज उठाने वाला नहीं था। पत्रकार जो सोशल मीडिया का जो दौर है ना, उन्होंने ही शुरू किया था, उनके बाद जो है लोगों ने स्टार्ट किया था। मनीष भैया जो बहुत अच्छे काम करे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आए तो कोई नया बदलाव होगा क्या बिहार? हाँ बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, उनके लिए हम लोग तैयार हैं जहाँ भी हैं जैसे भी हैं। गहलोर की जनता उनका किस तरीके से स्वागत करेगी? बहुत मतलब बेहतर तरीके से, हम लोगों से जितना हो सकता है उतना स्वागत करेंगे उनको। हर एक मतलब संभव को पूरा प्रयास करने की कोशिश करेंगे हम लोग अगर यहाँ आ रहे हैं तो। बाकी ठीक है, मतलब गहलोर में विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ है हम लोग का जनता के। मनीष कश्यप से कितना उम्मीद है कि वो आएंगे और आपके हक में बात करेंगे? जरूर करेगा, करेंगे, करेगा। आपको एक बात पता है, आज वो जेल से छूट के सबसे पहले गहलोर आ रहे हैं, अपने माता पिता से भी वो मिलने नहीं जा रहे हैं, इस पे आपका क्या विचार है? विचार ये है कि जो सेवा संस्कार होगा करेंगे। हाँ। स्वागत के लिए आप लोग तैयार हैं उनके? हाँ हाँ, यहाँ पूरा आदमी जानकारी हो गया है। जानकारी हो गया है? हाँ हाँ। तो गहलोर में मनीष कश्यप का आगमन होने वाला है, लगभग पिछले नौ महीने से वो जेल में थे और जेल से बाहर निकलते ही मनीष कश्यप गया के गहलोर में आएंगे और सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि गहलोर में आने के बाद किस मुद्दे पे बात होगा, विकास पे बात होगा या फिर किस मुद्दे पे बात होगा, ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि पिछले 9 महीने से एक आवाज जेल में कैद था, आज वो आवाज आजाद होगा और आजाद होने के बाद क्या कुछ कहेंगे ये पूरे बिहार वासियों को इंतजार है कि मनीष कश्यप का शब्द सुने, मनीष कश्यप की बातों को सुने। आई खबरों के लिए बने रहे, जय हिंद।